नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्यहिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सिर तोड़ने का आदेश देने वाले IAS अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के मुद्दे पर हरियाणा सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच चल रही बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने करनाल के लघु सचिवालय का घेराव अनिश्चित काल तक के लिए करने का ऐलान कर दिया है। यह बातचीत का दूसरा दिन था। बुधवार को ही बातचीत नाकाम रही। इसके पहले मंगलवार को ही बातचीत का भी कोई नतीजा नहीं निकला था। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों के मुद्दों के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के एक सदस्य ने इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को खत लिखा है। इसमें रिपोर्ट को जारी करने के साथ ही इसको सरकार को भेजने का भी आग्रह किया गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों व सरकार के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में ही एक कमेटी का गठन किया था। इस साल मार्च में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। कमेटी ने क्या सुझाव दिया है यह अभी सामने नहीं आया है। कमेटी के एक सदस्य शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल जे घनावत ने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने की दलील तब दी है जब हाल में किसानों का आंदोलन तेज हो गया है और BJP पर फिर से जबरदस्त दबाव है। महीनों से चल रहे किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने गेहूं और सरसों समेत 6 रबी फसलों के लिए MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला किया है। गेहूं का MSP 40 रुपये बढ़ाकर 2015 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। यानी गेहूं के MSP को 2.03% बढ़ाया गया है, जो कि पिछले 12 सालों में सबसे कम है। वहीं सरसों का MSP 400 रुपये बढ़ाकर 5050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। बता दें, MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वो दर होती है जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। सरकार अभी खरीफ और रबी के मौसमों में 23 फसलों के लिए MSP तय करती है। करनाल के मिनी सचिवालय के बाहर धरना दे रहे किसान बिना मांगे मनवाए पीछे हटने के मूड में नहीं हैं। प्रशासन से हुई वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद किसानों ने पक्का मोर्चा तैयार करने की योजना बना ली है। पिछली रात को सड़क पर दरी बिछाकर सोए किसानों ने सचिवालय रोड पर टेंट लगाने शुरू कर दिए हैं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार गलती करने के बाद गलती मानती नहीं है, इसलिए वो मांगों को नहीं मान रही है। लेकिन अगर वो मांगे नहीं मानते हैं तो किसान करनाल में भी पक्का मोर्चा शुरू कर देंगे। बता दें, किसानों पर लाठी चलाने का आदेश देने वाले SDM पर किसान कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद उम्मीद जताई है। अब्दुल्ला ने कहा कि अफगानिस्तान एक अलग मुल्क है, अब वहाँ जो आए हैं उन्हें उस देश को संभालना है। मुझे उम्मीद है कि वे सभी के साथ इंसाफ करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे जिसमें वो मानवाधिकारों का ध्यान रखेंगे और इस्लामी उसूल पर चलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि वो सभी देशों के साथ दोस्ताना संबंध रखेंगे। PDP प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को कहा कि तालिबान अब एक वास्तविकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तालिबान को अब असली शरिया के हिसाब से शासन करना चाहिए। मुफ्ती ने कहा कि तालिबान अब एक वास्तविकता बन गया है। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी पहले की छवि मानवता और बुनियादी अधिकारों के खिलाफ थी, और अब अगर वे अफगानिस्तान पर शासन करना चाहते हैं तो उन्हें वास्तविक शरिया के नियमों का पालन करना चाहिए जिसमें महिलाओं के अधिकार शामिल हैं, ना कि वो जिसे वो समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लगातार दबाव के बीच अब सरकार ने फैसला किया है कि महिलाओं को भारतीय सेना में परमानेंट कमीशन के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA में शामिल किया जाएगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि तीनों सेना प्रमुख महिलाओं को इसकी अनुमति देने के लिए सहमत हो गए हैं। हालांकि सरकार ने कहा है कि महिलाओं को NDA में शामिल करने के लिए गाइडलाइंस तैयार करने में कुछ वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस मामले में जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया है। सेना में महिलाओं की भागीदारी और बराबरी के हक को देखते हुए ये एक ऐतिहासिक फैसला है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में BJP सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बम विस्फोट हुए हैं। इसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं है। BJP ने जहां इन विस्फोटों के लिए तृणमूल को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा कम होती नहीं दिख रही है। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई। इस घटना और बयान के बाद अब सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और BJP के बीच फिर से तनातनी तेज होने के आसार बढ़ गए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए BJP ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत ही आज BJP ने 5 चुनावी राज्यों के लिए अपने प्रभारियों का ऐलान कर दिया।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड के लिए पार्टी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को जिम्मेदारी सौंपी है। पंजाब चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रभारी बनाया गया है। गोवा के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया गया है। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने आज तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। मुलाकात को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि वो अपने पिता की बरसी पर आमंत्रण देने के लिए तेजस्वी से मिले। उन्होंने कहा कि वो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे। चिराग ने कहा कि उनका लक्ष्य हर उस व्यक्ति को आमंत्रित करना है जिन्होंने उनके पिता रामविलास पासवान के साथ काम किया है। वहीं तेजस्वी यादव ने मुलाकात के बाद चिराग और तेजस्वी के साथ आने के सवाल पर कहा कि वो कह चुके हैं जो कहना था और लालू प्रसाद यादव के कहने के बाद कुछ बच नहीं जाता है। बता दें, लालू प्रसाद यादव पहले ही चिराग पासवान के साथ आने के लिए कह चुके हैं। भवानीपुर उपचुनाव में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारने का वादा करने के एक दिन बाद कांग्रेस ने मंगलवार को अपने रुख पर यू टर्न ले लिया है और अब कहा है कि पार्टी तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो के खिलाफ किसी को नहीं खड़ा करेगी। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि AICC के निर्देश के अनुसार कांग्रेस 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले ना तो बनर्जी के खिलाफ कोई उम्मीदवार उतारेगी और ना ही उनके खिलाफ प्रचार करेगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।